नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि राव और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो दोस्तों, फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बताकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बड़े ही बेहूदगी से फिल्म को टैक्स फ्री करने से मना कर दिया था और कहा था कि यदि फिल्म को टैक्स फ्री कराने का इतना ही शौक है तो विवेक अग्निहोत्री को बोलो कि यूट्यूब पर डाल दे, उसके बाद सब कुछ फ्री ही फ्री हो जाएगा। जिसके बाद से ही केजरीवाल जबरदस्त तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन अब योग गुरु बाबा रामदेव ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्माताओं से अनुरोध किया है कि वो फिल्म यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड कर दें। बाबा रामदेव ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को अब यूट्यूब और फेसबुक पर डाल देना चाहिए ताकि हर आदमी फिल्म देखकर जान सके कि 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। एक निजी चैनल से बात करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि फिल्म ने अच्छी खासी कमाई कर ली है, फिल्म निर्माताओं को अब चाहिए कि वो फिल्म YouTube और Facebook पर डाल दें ताकि हर आदमी फिल्म देखकर जान सके कि कश्मीर में क्या हुआ था। बाबा रामदेव से जब पूछा गया कि क्या आपने फिल्म देखी है तो उन्होंने कहा कि समय की कमी के चलते वो अभी तक फिल्म नहीं देख पाए। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया है। हालांकि दोस्तों, बाबा रामदेव के इस बयान पर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो। कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है?